दो दिन के बाद फिर हम लोग आए, तो क्योंकि अब हम लोग आए हैं शाम के टाइम ना, धूप यहाँ बड़ी सख्त थी। परसों जब हम लोग आए तो मेरी तो बड़ी बुरी हालत हुई धूप की वजह से। रेड मूली वो लगाई हुई इधर, ये मेरे से कहीं बीज गिर गया था इसका मूली का, तो ये यहाँ भी मूली है। ये देखिए इसकी जड़ वो सफेद नजर आ रही मूली, ये वाला भी मूली का है, वो से थोड़ा फासले पे ये भी मूली का। ये सारी जो है ये मेथी है, धूप तो है मगर ये कि उसमें वो उस तरह शिद्दत नहीं है गर्मी वाली ना। पिछले दिनों दो दिन पहले हम इनसे पानी दे के गए थे, ये देखे मैं खरबूजे के बीज माशाल्लाह कितने बड़े हो गए, ये सारे दो दिन में। ये अभी सारी क्यारी की मैं करूँगी सफाई, एक्स्ट्रा जो घास है ये सारा उतार दूँगी पानी देने से। वो ये कि इसके छोटे छोटे उस वक्त निकले थे परसों, तो अब पानी दिया तो वो माशाल्लाह जो इसकी निकली हुई थी कोंपले वो थोड़ी हल्की हल्की बारीक बारीक टहनियों की शक्ल में आ गई हैं, थोड़े ऊपर हो गए। तो मैं ये जो इसके अंदर घास है वो सारा साफ कर दूँगी। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए वो छलियों के तने कितने अच्छे हो गए, लंबे हो गए ना, अब नज़र आने लगे। साथ में छलियों के वो तरबूज के है, उसमें घास बहुत है, जड़ी बूटी बहुत आ गई। अभी थोड़ी देर तक इसके सारे की सफाई करेंगे। सैफ को भेजा है, पिज़्ज़ा कह रही थी आइस खानी, आइस खाएंगे। बच्चे कहा केक ले आओ, बिस्किट तो चाय फिर पिज़्ज़ा बनाएगी, बहुत मज़े की चाय बनाती मेरी बेटी, यानी कि भांजी मेरी बहुत अच्छी चाय बनाती। तो अभी हम साथ साथ सफाई करेंगे और मैं आपको सारा दिखाऊंगी ना। ये देखें मैंने क्यारी साफ की, सारा घास इसमें से निकाल दिया, ये खरबूजे लगाए हुए थे और साफ होके देखे कितनी अच्छी हो गई है। साफ करेंगे मैं, सैफ, मियाँ साहब और फिजा को दिखाएं, वो भी कर रही है, सब हम मिले हुए हैं काम करने के सिलसिले के साथ। ये देखिए बहुत अच्छा है मम्मा, है ना, अच्छा लग रहा है। इसी तरह बाकी भी हो जाएंगी सारी, तो फजूल से जो जड़ी बूटियां थी वो निकल जाएंगी ताकि इन फलों को बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है जी। आलू ना साहब उतार देना इस तरफ से। चले अच्छा हो गया, रफ रफ कर लिया आपने तो अच्छी बात है। इतना ज़्यादा जो था जड़ी बूटियों वाला हिस्सा वो मैंने तकरीबन साफ कर लिया है। अब ये वाली जो लाइन है ये रहती है, ये साफ करूँगी मैं। थोड़ा थक के मैंने कहा थोड़ा पौधे करूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह दोबारा काम स्टार्ट करेंगे। सैफ और मियाँ साहब लगे हुए हैं, ये देखें सैफ और मियाँ साहब, वो फिजा लगी हुई है काम करने। ये नीचे इधर फेंकती है ये,
टमाटरों के पौधे हैं, शिमला मिर्च के, और सारी नीचे से सफाई की मियाँ साहब ने, और एक्स्ट्रा जो जड़ी बूटियाँ थी वो सारी ख़त्म कर दी, निकाल दी। ये देखिए, जिस तरफ ये हमने, और ये तो माशाल्लाह अब बढ़ गए हैं ना, बड़े हो गए ये सारे। और शाम का टाइम हो गया है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया सारा। मियाँ साहब क्या भी मेरा हाल इस तरफ से तो भी हो गया सारा ना घास। सैफ ने भी अच्छा काम किया है माशाल्लाह, है ना। हाँ ये देखें, मैंने दिखाया कि भाई ये देखें सैफ ने जो किया है और बिल्कुल रास्ते में मैंने कहा रखा, कहता अभी अगले दिनों में बारिश आएगी मामा, ये सारा इधर आ जाएगा, मेरी इतनी मेहनत आप इधर से बाहर निकलेंगे। मैंने कहा चले ठीक है गार्डन की हजामत हुई डेरे की है ना इतने सारे फेजोर मिलके कर रहे थे। हाँ जी बेशक। चले ठीक है, फिजा बना रही है चाय, कुकर सेट करके रख लेते हैं। चले आप करें, मैं पानी लगाती हूँ सारा उधर ना, और बाकी है ना सारे काम, क्योंकि शाम रात होने से पहले निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से। अब हमारा वक्फा है चाय का, चाय पियेंगे। और ये बाहर दिखाते हैं आपको, खिड़की नहीं मैंने खोली, मच्छर आ रहे थे बाहर, मच्छर बहुत है। चलें जी बिस्मिल्लाह करें। शाम का वक्त हो चुका है, इधर इतना ज़्यादा हमारा काम था करने वाला कि अब पानी दिया थोड़ी देर पहले मियाँ सैफ ने दिया, और मैंने मियाँ साहब अपने दोस्त से मिलने के लिए चले गए, उनका एक फ्रेंड इधर रहता है बूढ़ो भाई, तो उनसे मिलने के लिए चले गए। मैं और सैफ पानी दिया सारी सब्जियों को जो हमने लगाई हुई, फिर जो पानी देने वाला है ना, फिर हम इधर रखेंगे पापा के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना है इंशाल्लाह। पानी देने के बाद माशाल्लाह कितना खुश हो जाती हैं ना सारी सब्जियां फल। मैंने कहा चलिए आप लोगों को जाने से पहले पानी देने के बाद दिखाऊं। निखार जान आ जाती है ना, जैसे पानी पीने के बाद प्यासा बंदा फ्रेश हो जाता है, ऐसा गर्मी से बाहर घर से आए तो आते ही ठंडा पानी पिए कितना अच्छा लगता है। सेम मुझे तो यही फील होता है कि इनके साथ भी ऐसा ही, ये धूप में होते हैं फिर इनके साथ जब ये माशाल्लाह। मैंने ज़मीन की थोड़ी वो घास वास उतारने के बाद गोड़ी की, तो ये देखिए आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे जो पानी नरम की मट्टी और नीचे से वो निकल आए ना इसके आलूओं के, ये देखें ये छोटे छोटे चेरी जो पकी थी बिल्कुल रेड थी वो मैंने निकाल उतारी, तोड़ के खा ली कुछ, बाकी अभी उतारने के काबिल नहीं है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट आएंगे या एक दो हफ्ते के बाद ये उतारने वाली होंगी।
ये मैंने साथ ही इधर फूल लगाए थे, आप ने जो इससे पहले काफ़ी अरसा महीना ईद के दिन में वीडियो बनाई थी उसमें मैं लगाते हुए दिखाया था आपको। अब ये माशाल्लाह देखिए कितने बड़े होते हैं। मामा तो खौफ खाओ। अच्छा जी, सैफ को हर चीज़ से खौफ आता है, मक्खियों से, मच्छरों से, हर चीज़ से डरता है कि भाई ओहो मेरे मुझे छुए ना, मेरे पास ना आए। अच्छा चलो ठीक है, नहीं ये वीडियो काटी तो देखना, फिर मैं तेरे लगाऊंगी। कितने? दो। चले ठीक है, मैं बंद करती हूँ, आप निकालें सामान, मेरा पर्स और सारा कुछ समेटा समेटी करें। फिजू ले आओ बेटू पर्स और लाइटें, मियाँ सब बंद कर दें। चले सैफ ही चला गया सुन के निकल रहे हैं, लाइटें बंद कर दें।